हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के अंदर फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाना सिखाएंगे। जी हाँ, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये एक इनवॉइस है जो कि एक्सेल के अंदर बनाया हुआ है और ये फुली ऑटोमेटिक है। इसके अंदर आप बस एंट्री करते जाओगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट चेंज हो रहे होंगे। देखो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है, यहाँ पर हमारे सेल टाइप भी चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर एक इनवॉइस, न्यू इनवॉइस जनरेट करना भी सिखाऊंगा। मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ये नंबर चेंज हो जाए, यहाँ पर नेम सभी ये डिलीट हो जाएं, यानी जैसे मैं न्यू इनवॉइस पे क्लिक करूँ तो ये सभी डाटा जो है अपने आप मुझे नए फॉर्मेट में इसको दे दे और यहाँ पर ये नंबर अपने आप सेव हो जाए। और यहाँ पर ये टेबल जो है ऑटोमेटिक किस प्रकार अरेंज होगी ये सब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर समरी ऑटोमेटिक कैसे अरेंज होगी ये भी आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये इनवॉइस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम इनवॉइस वीडियो पार्ट 1 बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको इस इनवॉइस को बनाना सिखाया है। इसमें आपको कुछ सेटिंग करना बताया है जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो स्क्रीन पे अभी जो दिखाई दे रहा है, ये वाला इनवॉइस मैंने जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बना के दिखाया था, जिसमें हम मैन्युअली सब कुछ डाटा फीड करते थे। जैसे मुझे यहाँ पर मॉनिटर लेना है, ठीक है, मैं मॉनिटर यहाँ पर मैन्युअली फीड करूँगा। उसका HSN कोड मुझे यहाँ पर मैन्युअली फीड करना पड़ेगा, GST रेट मैन्युअली लगाना पड़ेगा, उसका प्राइस यहाँ पर मैन्युअली फीड करना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिट ये तो मैन्युअली फीड करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर जब मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँगा तो इसका टोटल आएगा, यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन करूँगा तो इसका टोटल आएगा, ठीक है, यहाँ तक चलो ठीक है। ये तो एक सिंपल इनवॉइस हो गया जो हम सिंपल किसी कंपनी में या ऑफिस में बना सकते हैं, लेकिन जब हमें एक प्रोफेशनल एक फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाने के लिए दे दिया गया है तो हम इसमें क्या करें, हम इसी इनवॉइस को फुली ऑटोमेटिक बना सकते हैं। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यही इनवॉइस अभी आपके सामने फुली ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अब हम सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑटोमेटिक कैसे आएंगे, HSN कोड कैसे आएगा, या GST रेट, या यहाँ पर रेट अपने आप कैसे आएगा ये सिखाएंगे। लेकिन इसके लिए आपके पास आपकी कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो उस प्रोडक्ट की लिस्ट यानी टेबल आपके पास होनी चाहिए। जैसे हमने बना रखी है कि हमारी कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट सेल होते हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया है, उनका HSN कोड है हमारे पास, उनकी अमाउंट है यानी रेट है, और उन पे कितना GST है वो हमने यहाँ पर सेट कर लिया। ऐसे ही आपके कितने प्रोडक्ट हैं आप एक अलग सीट पे उनके किसी भी नाम से बना सकते हो, जैसे हमने प्रोडक्ट के नाम से बनाया हुआ है। आपको इस प्रकार की एक टेबल अरेंज करनी होगी। अब ये टेबल वहाँ पर कैसे आएगी तो देखते हैं। सबसे पहले हम इस डाटा को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट अपने आप आएँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे ड्रॉप डाउन। तो सबसे पहले इनको सबको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे डाटा में, डाटा के बाद कंडीशनल फॉर्मेट और डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे हम जाएंगे यहाँ पर लिस्ट में, लिस्ट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर सोर्स पे जाएंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपनी उस सीट पे जाएंगे जिस पे हमारे प्रोडक्ट होंगे। तो इन प्रोडक्ट को मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इस एरो पे वापस क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे और आप देखोगे सभी सेल के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है, यानी जिस पे हम क्लिक करेंगे वही प्रोडक्ट यहाँ पर चूज हो जाएगा। तो ऐसे हम वन बाय वन यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन चलो ठीक है, प्रोडक्ट तो आ गए हमारे, लेकिन यहाँ पर इनका HSN कोड कैसे आएगा। HSN कोड लाने के लिए हमें लुकअप फार्मूला की सहायता लेनी पड़ेगी। लुकअप फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर लगेगा इक्वल वी लुकअप, वी लुकअप और ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर लुकअप वैल्यू कह रहा है। लुकअप वैल्यू मुझे मतलब इसका डाटा, इसका HSN कोड मुझे यहाँ चाहिए, तो कोमा कोमा लगाना है। उसके बाद क्या मांग रहा है, टेबल एरे, टेबल एरे हमारे यहाँ पर है और टेबल हमने सेलेक्ट कर लेनी है ये
ध्यान रहे आपने हेडिंग को नहीं सिलेक्ट करना, अगर आपके यहाँ पर सीरियल नंबर है 1, 2, 3 वो भी नहीं सिलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, और उसके बाद इसी के ऊपर आ जाना यहाँ पर और कोमा लगा देना। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी मुझे क्या दिखाना है भाई। यदि मदरबोर्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे उसका HSN कोड चाहिए, तो यहाँ पर कॉलम बन रहा है 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, हमने लिख दिया 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने कोमा लगाना है, उसके बाद ट्रू फॉल्स के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रू सेट कर लेते हैं, ठीक है, और हमने कर दिया ओके। तो यहाँ पर मदरबोर्ड का HSN कोड आ गया, ठीक है, HSN कोड आ गया। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, क्या गलती है, यदि हम इसको डिलीट करते हैं, जैसे मैंने इसको डिलीट किया तो यहाँ पर NA आएगा। मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पर कोई वैल्यू ना हो तो यहाँ पर NA ना आए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एरर का। ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखना है इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर भाई यदि एरर हो तो यहाँ पर आपने कोमा लगाना है, तो ब्लैंक आ जाए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ नहीं लगाना, ब्लैंक और एंटर। तो अभी आप देखो यहाँ पर एरर चला गया। जब मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट चूज करूँगा तो उसका यहाँ पर HSN कोड आ जाएगा, तो इसी लिस्ट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सबके HSN कोड आ जाएंगे। अब ऐसे ही GST रेट आना चाहिए, तो GST रेट लगाने के लिए भी हम वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल वी लुक अप वही ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर लुकअप वैल्यू यानी मदरबोर्ड, मतलब जो भी सेल होगा आपका यहाँ पर वो, और कोमा कोमा लगाएंगे हम यहाँ पर, और फिर पूछ रहा है हमसे टेबल एरे, वापस जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर टेबल एरे हमारी ये है, और उसके बाद कोमा लगेगा। कोमा लगाने के बाद क्या पूछा हमसे, सॉरी सॉरी मैं वहाँ तो देखना भूल गया, कोई बात नहीं, GST रेट ही होगा आई थिंक, GST रेट है तो उसका कॉलम 3 है हमारे यहाँ पर, थोड़ा मैंने टेबल थोड़ा उल्टी बना रखी है, थोड़ा गलत बना रखी है, कोई बात नहीं। यहाँ पर तो हमारे पास कॉलम नंबर जो है वो 1, 2, 3, 4 4 आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, ठीक है, 4 आपका जो सा हो कॉलम नंबर आप वही चूज करें, उसके बाद कोमा, उसके बाद यहाँ पर ट्रू पे क्लिक करके एंटर करेंगे, ठीक है, और इसमें यहाँ पर GST रेट 5% आ गया, ठीक है। वही अब यहाँ पर डिलीट होगा तो इसमें भी एरर आएगा, ठीक है, तो इसका एरर दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, वही वापस से इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं कुछ प्रोडक्ट चूज करता हूँ तो उसका HSN कोड और उसका GST रेट अपने आप आ गया। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ नीचे। नेक्स्ट है अमाउंट, भाई उसका रेट भी आ जाए यहाँ पर, मदरबोर्ड का प्राइस आ जाए यहाँ पर, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू वही कोमा टेबल इंडेक्स नंबर हमसे पूछ रहा, सॉरी टेबल एरे पूछ रहा है, तो टेबल यही देंगे हम वापस से, हमने दे दी। उसके बाद कोमा कोमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स, अब हमसे रेट पूछा गया तो यहाँ पर कॉलम है इसका 3, ठीक है, 3 है हमारा, और यहाँ पर ट्रू पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आ गया। इसमें भी वापस से हम एक एरर लगा देंगे, इफ एरर, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पर कोमा और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट क्लोज, ठीक है, और एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर आ चुका है, एक बार देख लेते हैं, यहाँ हम डिलीट करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पर सारा जो हमारा डाटा क्लियर हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट चूज करता हूँ तो यहाँ पर HSN कोड आ गया, GST रेट आ गया, और यहाँ पर उसका प्राइस आ गया। अब यूनिट मैं यहाँ पर डालता हूँ, सपोज करो मैंने 10 यूनिट डाली और बाहर क्लिक करता हूँ, तो अभी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, आई थिंक हाँ लगानी, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर ग्रोस में क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल, ठीक है, ध्यान से देखें, इक्वल सम लगाना है आपने, सम ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल मल्टीप्लाई, यानी स्टार का निशान लगाना है, और दिस सेल, ठीक है, अमाउंट को आप यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अमाउंट आ गया, ग्रोस आ गया। नेट भाई हम चाहते हैं 5% GST उसके अंदर प्लस हो के आए, ठीक है, यानी इसका 5%, तो ध्यान से देखें यहाँ पर भी इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल
इसका 5% यानी स्टार, फिर दिस सेल यानी ये, डिवाइड 100, और फिर उसके बाद प्लस दिस सेल अगेन। हमने क्या किया है, H16 को मल्टीप्लाई किया है GST रेट से, फिर डिवाइड किया है 100 से, फिर उसके अंदर प्लस कर दिया हमें H16 अगेन, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 25,000 अमाउंट आई हुई है और यहाँ पर GST प्लस होके आ चुका है, ठीक है। इसी को आप यहाँ पर पकड़ के ड्रैगन ड्रॉप कर दोगे और यहाँ पर भी आप ड्रैगन ड्रॉप कर दोगे सबको, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू अनेबल आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू नहीं है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हम एरर तो लगाना भूल गए, यहाँ पर हमें एरर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर वही सेम एरर लगाना पड़ेगा, अगर हमारा डाटा ब्लैंक है, इफ़ एरर एरर, अगर हमारा एरर आ रहा है तो यहाँ पर आ जाए ब्लैंक, क्या आ जाए, कोमा ब्लैंक, ठीक है, और एंटर, और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम, इफ इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर कोमा और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ऐसे आपका ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सेट है, ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू सेट है, इस वजह से यहाँ पर आया हुआ है, और यहाँ पर हमारी वैल्यू सेट है तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये एरर हट जाएगा। और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, सॉरी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे, यहाँ पर जीरो इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू सेट थी, ठीक है। अब आप देख लो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है आपका, अगर आप यहाँ से कोई डाटा डिलीट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो, अब मैं कोई भी यहाँ से देखो, यूनिट हमें मैन्युअली डालनी पड़ती है, मुझे मदरबोर्ड परचेज करना है या सेल करना है जो भी है, यहाँ पर HSN कोड आ गया, GST रेट आ गया, उसके यूनिट आ गई, यूनिट मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे 15, ठीक है, बाहर क्लिक करता हूँ तो उसका रेट आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम पिछली वीडियो में ही लगा चुके थे यहाँ पर ग्रॉस टोटल, ठीक है, ये आया हुआ है, ठीक है। अब हम ये तो हमारे आगे हमारे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट जो हमारे आ रहे हैं बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अगर हमारी जो यहाँ पर सेल है, सॉरी सॉरी थोड़ा, अगर हमारी जो सेल है ये स्टेट सेल ना हो के आउट ऑफ स्टेट सेल है, तो यहाँ पर GST IGST काउंट हो, और जब हमारी स्टेट सेल है तो CGST IGST काउंट हो, वो भी अपने आप, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखें इसको अभी आप, यहाँ पर आप इसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ पर डिलीट, ठीक है, हम लगाते हैं इक्वल इफ़ और ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें लिखेंगे दिस सेल, मतलब ये वाला, ठीक है, दिस सेल इक्वल, हम यहीं लिख देते हैं, दिस सेल इक्वल इन्वर्टेड कोमा में आपने लिखना है स्टेट सेल, ध्यान रहे वही स्पेलिंग हो जो ऊपर लिखी हुई है, अगर वहाँ पर कोई लेटर स्मॉल या बड़ा है तो वही आपको लेटर यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। देखें यहाँ पर ध्यान से, इफ़ दिस सेल, अगर इसके अंदर स्टेट सेल है तो आए यहाँ पर CGST, सॉरी सॉरी, हम आउट ऑफ स्टेट्स करते हैं, यहाँ पर आउट ऑफ स्टेट सेल, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा में आया यहाँ पर IGST, IGST, ठीक है, और अदरवाइज आए ब्लैंक, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टेट सेल है, अब मैं यहाँ पर करता हूँ आउट ऑफ स्टेट सेल, तो यहाँ पर IGST आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ स्टेट सेल, तो यहाँ पर IGST गायब हो जाएगा,
सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे। कैसे? वही इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल, अगर इस सेल के अंदर है यहाँ पर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेट STATE स्टेट सेल, ठीक है, तो आ जाए CGST, ठीक है, और अदरवाइज आए ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। ठीक है, यहाँ पर CGST आया हुआ, आप यहाँ पर हम कर लेते हैं आउट ऑफ स्टेट सेल, तो यहाँ से CGST चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे ही SGST कैसे आएगा? तो यहाँ पर इक्वल इफ़, बड़ा ही आसान है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आएगा आपको, दिस सेल इक्वल इन्वर्टेड कोमा में स्टेट सेल और कोमा, स्टेट सेल हो तो क्या है, CGST लगा दिया हमने, GST, ठीक है, और अदरवाइज आई ब्लैंक और एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर IGST आ गया क्योंकि आउट ऑफ स्टेट सेल सेलेक्ट है, और यहाँ पर हम स्टेट सेल करते हैं तो CGST SGST आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम चाहते हैं कि यहाँ पर जब हमारा IGST हो तो यहाँ पर अमाउंट आए, और जब हमारा CGST SGST हो तो यहाँ पर अमाउंट आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन यहाँ पर जो भी फार्मूला लगा होगा उसको डिलीट कर दें, जो लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया आपको। तो यहाँ पर एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, अगर ना दिखाई दे रहा आपको, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल, ठीक है, इक्वल सॉरी दिस सेल इक्वल ब्लैंक, तो इन्वर्टेड कॉमा में हो जाए ब्लैंक, मतलब अगर ये सेल खाली है तो यहाँ पर भी खाली आ जाए, अदरवाइज यहाँ पर हो जाए दिस सेल माइनस यहाँ पर हमारा ग्रॉस टोटल आना चाहिए, ये जो है एड्रेस हमारा बनेगा I 29, ठीक है, I 29, ठीक है, हाँ आ गया, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। ठीक है, ओहो सॉरी, नहीं, बिल्कुल सही है, हाँ हमने इसका I 29 दिया था ना एड्रेस, I 29, बिल्कुल सही। हमने क्या किया, इसको इसमें से माइनस करा दिया, अगर ये ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक आए, अदरवाइज यहाँ पर IGST है तो यहाँ पर इसको इसमें से माइनस करके आ जाए। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर हमने किया इसको आउट ऑफ स्टेट सेल या जो भी आपने देना है, तो यहाँ पर IGST आ गया, और यहाँ पर देखो आप इसका अमाउंट भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर लोकल सेल हो, CGST SGST हो, तो हम क्या करेंगे, सेम वही जो हमने यहाँ पर लगाया है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल इफ दिस सेल, भाई ये सेल अगर इक्वल ब्लैंक है, क्या है ब्लैंक है, तो यहाँ भी ब्लैंक आए, अदरवाइज में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आप, दिस सेल माइनस दिस सेल ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड में 2, ठीक है, क्योंकि जो हमारा CGST SGST होता है वो IGST का हाफ होता है, 2 पार्ट में होता है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया स्टेट सील, और नीचे आके देखते हैं यहाँ पर CGST आ चुका है, ठीक है, लेकिन SGST नहीं आया, तो सेम वही फार्मूला लगेगा, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल इक्वल ब्लैंक कोमा हो जाए ब्लैंक, ठीक है, अदरवाइज ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल माइनस दिस सेल और
ब्रैकेट स्टार्ट करके डिवाइड मी टू और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंटर। तो यहाँ पर देखो CGST SGST आ चुका है। और अब यदि हम यहाँ पर कुछ भी चेंज करते हैं तो हमारा IGST और CGST ऑटोमेटिक आया हुआ है। उसके बाद हमारा ये तो बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ पर हमारा टोटल भी बिल्कुल सही हो रहा है और सब कुछ हमारा ठीक चला हुआ है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये अमाउंट है वो वर्ड में आए, ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ पर वर्ड में आए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, वो भी थोड़ा ध्यान से देख लें। लेकिन ये फॉर्मूला आपको, इस फॉर्मूला के लिए आपको एक स्पेशल वीडियो बना रखी है हमने, उस वीडियो को देखना पड़ेगा इस फॉर्मूला को समझने के लिए। डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे तो ये नहीं चलेगा आपका। इक्वल स्पेल, स्पेल नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट, और जिस सेल को आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो उस पर सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करोगे, तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो अमाउंट है वो आपका यहाँ पर वर्ड में आ चुकी है। अगर आप चाहते हो आपकी अमाउंट भी वर्ड में आए, ठीक है, तो आप स्पेल फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को देखना होगा, तभी आपका ये आएगा, अदरवाइज ऐसे काम नहीं करेगा। अब हमने देखा कि हमारे प्रोडक्ट भी बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम एक दो प्रोडक्ट और काउंट करके देख लेते हैं कि सही चल रहा है नहीं। यहाँ पर 20 किया मैंने, इसकी अमाउंट होगी, यहाँ पर ये ग्रॉस अमाउंट नेट अमाउंट होगी, ठीक है, ये इसके अंदर यहाँ पर प्लस भी हो चुका है, यहाँ पर इसके टोटल भी हो चुका है। ये वाला फॉर्मूला तो मैं लास्ट वीडियो में आपको लगा के दिखा चुका हूँ, ठीक है, साथ में यहाँ पर IGST भी आया हुआ है। अब यहाँ पर मैं अगर लोकल सेल्स सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर CGST और SGST आया हुआ है, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा, यानी एकदम प्रोफेशनल हमारा इनवॉइस बनके तैयार हो चुका है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपका भी बनेगा। तो अभी हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट का एचएसएन कोड आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर हम यूनिट सेट करनी है और अपने आप यहाँ पर CGST SGST हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो नंबर है हर एक इनवॉइस का अलग अलग आए, तो ये आप ऑटोमेटिक जनरेट करना चाहते हो, तो वो कैसे जनरेट होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखें। अब वाला टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसा आपको किसी भी वीडियो में देखने के लिए नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक सेव बना लेनी है, कोई भी सेव आप बना सकते हो, ठीक है, और इसके अंदर कुछ लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई स्टाइल कोई कलर देना चाहते हो अपने हिसाब से आप कलर दे सकते हो, ठीक है, हमने ये कलर दे दिया और इसके अंदर हम लिख देते हैं इनवॉइस, ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसको सेंटर करेंगे, ठीक है, हमारा न्यू इनवॉइस आ चुका है। अभी ये बटन बना नहीं है, अभी हम इसको मैक्रो इस पर लगाएंगे, लेकिन मैक्रो हम इस पर डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, VBA कोडिंग के अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसके लिए आपको एक छोटी सी कोडिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आपने कीबोर्ड से अपने प्रेस करना है Alt+F11, कीबोर्ड से Alt+F11 प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर VBA कोडिंग खुल जाएगी। यहाँ पर आपको आना है इंसर्ट में मॉड्यूल मिलेगा आपका, यहाँ पर मॉड्यूल पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपका एक न्यू मॉड्यूल आ जाएगा। यहाँ पर अब आपने क्या लिखना है ध्यान से देखें, सब, और सब के बाद आप एक नाम दे दोगे, कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ न्यू इनवॉइस, ठीक है, न्यू इनवॉइस और एंटर कर देना है, ठीक है, यहाँ पर अपने आप ही एक कोडिंग आ जाएगी। अब इसमें कुछ कोडिंग लिखनी है, ध्यान से देखें, लिखना है RANGE रेंज, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर हम सेल एड्रेस देखना तो भूल गए, जिस पे हम ऑटोमेटिक यहाँ पर इनवॉइस नंबर जनरेट कराना चाहते हैं, तो हम जाएंगे थोड़ा पीछे, हम जाएंगे अपनी फाइल में, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने यहाँ पर
इस इनवॉइस नंबर को ऑटो जनरेट करना है। भाई जैसे मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूँ, ये नंबर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर इसका सेल एड्रेस देख लें आप, इसका जो सेल एड्रेस है वो है I6। क्या है? I6। तो आप वो यहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है, ध्यान से देख लें। सॉरी, तो यहाँ पर आपने लिखना है रेंज और इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो सेल एड्रेस लगाना है जो हमने लगाया था। हमने क्या लगाया था? I6, ठीक है। I6 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद लगाएंगे डॉट, और यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू 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 के बाद हम लिखाएंगे इक्वल, और इक्वल के बाद फिर लिखेंगे रेंज अगेन, RANGE रेंज, और अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, और अगेन इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेल एड्रेस वही I6। सेल एड्रेस यही देना है आपने जिसमें आप चेंज कराना चाहते हो। ब्रैकेट सॉरी इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और डॉट यहाँ पर वैल्यू लिखना है, वैल्यू, और प्लस ध्यान दें प्लस 1 करना है आपने, ठीक है, और इतना ही करना है। और उसके बाद आप एल्ट प्लस क्यू दबाना है आपने कीबोर्ड से, एल्ट प्लस क्यू, आप अपनी टेबल पे वापस आ जाओगे। उसके बाद हम यहाँ पर न्यू पे करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे असाइन मैक्रो में, असाइन मैक्रो में यहाँ पर हमारे द्वारा रिकॉर्ड किया गया मैक्रो आ जाएगा जो कि हमने न्यू इनवॉइस के नाम से बनाया था। मैं यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहूँ तो यहाँ पर न्यू इनवॉइस के नाम से है। इसके बाद हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद बाहर क्लिक करने के बाद अब ये जो है असाइन हो चुका है। जैसे मैं इस पे न्यू पे क्लिक करूँगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमसे कुछ गड़बड़ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं और अगेन एल्ट प्लस F11 करते हैं क्योंकि हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है वैल्यू की यहाँ पर, तभी ये एरर आया हुआ है, कोई बात नहीं। वैल्यू, ठीक है, स्पेलिंग आप ध्यान से देखें, ये कोडिंग है, इसमें कोई गलती नहीं करनी आपने। उसके बाद कीबोर्ड से अगेन आप एल्ट प्लस क्यू प्रेस करेंगे। अब हमने इसको असाइन तो कर रखा है, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो, जैसे मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर 35 हो गया, 35, 36, 37, तो ये हमारा जो है ऑटो इनवॉइस जनरेट हो रहा है। लेकिन वो तो बात ठीक है कि ऑटो जनरेट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे मैं न्यू इनवॉइस पे क्लिक करूँ तो ये सभी डाटा जो है क्लियर हो जाए, मुझे नया डाटा फीड करने के लिए दे दे, ठीक है। तो उसके लिए भी एक मैक्रो हमने रिकॉर्ड करना है, मतलब VBA की छोटी सी कोडिंग करनी है। तो इसके लिए आप ध्यान से देखें, आपका यहाँ पर ये सेल जो है मर्ज ना हो, यहाँ पर मैंने मर्ज कर रखा है, आप ध्यान दें ये सेल आपका बिल्कुल भी मर्ज ना हो। इसको आप यहाँ पर पहले अनमर्ज करें, अनमर्ज होम में जाके आप इसको अनमर्ज कर लें, ठीक है, और आप इनको हाइड कर सकते हो अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगता है। इनकी आप बाउंड्री हटा दो यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से हटा दी और मैंने ले लिया आउट, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने नो बॉर्डर किया, यहाँ से मैंने आउट ले लिया आउटसाइड, ठीक है, और इसके अंदर के आप वन बाय वन ऐसे बाउंड्री ले सकते हो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। आप यहाँ पर ऐसे वन बाय वन इसकी बाउंड्री ले लोगे। देखो मर्ज सेल में ये चलेगा नहीं, जो ये VBA की कोडिंग है वो मर्ज में चलेगा नहीं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, अदरवाइज मर्ज ही ठीक लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको आउट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपका GST नंबर शायद पूरा ना आए, वो आप कोमा लगा दोगे आगे तो आपको पूरा आ जाएगा। फिलहाल अब ये डाटा मुझे ब्लैंक चाहिए, ये डाटा ब्लैंक चाहिए, तो इसके लिए हमें अगेन मैक्रो के अंदर कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आप ये सेल एड्रेस ध्यान से देख ले, यहाँ पर D10 से लेकर और नीचे तक हमारे पास है D13, D10 से लेकर D13 आप याद रखें। अब इसके लिए अगेन हम करेंगे एल्ट प्लस F11, ठीक है, हमारे इसी मॉड्यूल में आ जाएंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे अगेन रेंज रेंज, और यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट। मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर रेंज, अब रेंज हमने क्या ली थी, यहाँ पर D10, D10 रेसो और D13। भाई D10 से लेके D13 जो है हमने यहाँ पर रेंज दे दी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद यहाँ पर डॉट आएगा, डॉट, और यहाँ पर आप लिखोगे क्लियर कंटेंट्स, क्लियर यहाँ पर कंटेंट्स है, इस पर आप डबल क्लिक कर दोगे, ठीक है।
अब यहाँ पर एल्ट प्लस क्यू प्रेस करेंगे और यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा क्लियर हो रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, मैं दोबारा डाल के दिखा रहा हूँ। हमने कोई डाटा डाल दिया यहाँ पर, डाटा डालने के बाद यहाँ पर इनवॉइस नंबर भी चेंज होगा और यहाँ पर ये डाटा भी क्लियर होगा। यहाँ पर 41 हो गया, यहाँ पर ये डाटा क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मुझे ये डाटा डिलीट करना है। देखो ये पूरा डाटा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये डाटा डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिक ये डाटा डिलीट हो जाएगा। हाँ, यूनिट आपको मैन्युअली डिलीट करनी होगी। तो वही आप यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका सेल एड्रेस देख ले, C16, C16 से लेके C25, C16 से लेके C25। तो वहीं पर आएंगे हम, एल्ट प्लस F11, सेम यही लिखेंगे, रेंज RANGE ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार, C16 रेसो C25। आई थिंक यही था, आप देख लेना अपना एड्रेस। और यहाँ पर डॉट और वही क्लियर कंटेंट्स। ठीक है, आप देखते हैं हमारा आया कि नहीं। एल्ट प्लस क्यू प्रेस करेंगे, अपने यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम कुछ डाटा चूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने कुछ डाटा ले लिया, देखते हैं हम जब न्यू पे क्लिक करेंगे क्या हमारा डाटा जो है वो क्लियर होगा। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया, सॉरी यहाँ का डाटा भी फीड कर देते हैं साथ के साथ, ये किसी कस्टमर का डाटा हमने फीड कर दिया। और न्यू इनवॉइस पे क्लिक किया, यहाँ पर भी ध्यान देना आप, यहाँ पर भी ध्यान देना, यहाँ पर भी ध्यान देना। ठीक है, तो आपने देखा कि यही 42 हो गया, यहाँ पर डाटा डिलीट हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया और यहाँ से तो क्लियर हो गया। अब रह गया ये। ठीक है, इसके लिए भी वही सेम, अब इसका एड्रेस G16 और G25, G16 एल्ट प्लस F11 G16। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज RANGE ब्रैक, इसको मैं सॉरी भूल जाता हूँ, जूम करके दिखाना होता है, RANGE। यहाँ पर वही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सॉरी सेल एड्रेस आई थिंक G16। ठीक है, G16 रेसो क्या था, और G25, हाँ G25, सॉरी सॉरी G25, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और डॉट वही क्लियर कंटेंट्स। ठीक है, सॉरी क्लियर कंटेंट्स, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और एल्ट प्लस क्यू आ गए यहाँ पर, दोबारा एक बार फिर चला के देख लेते हैं। वैसे तो 100% चांस है चली जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने मदरबोर्ड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट होगा आप यहाँ पर चूज करोगे अपने। ठीक है, प्रोडक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर यूनिट आपने मैनुअली फिल करनी होती है, यहाँ पर कस्टमर का डिटेल आपको मैनुअली फिल करनी होगी, एड्रेस मैनुअली फिल करना होगा, फ़ोन GST नंबर आपको मैनुअली फिल करना होगा। उसके बाद मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 43 होना चाहिए, ये डाटा क्लियर होना चाहिए और यहाँ पर ये डाटा भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नीचे बिल्कुल सही आया हुआ है। और यहाँ पर हमने क्या दिया, न्यू इनवॉइस, यहाँ पर 43, और यहाँ पर आप देखो ये सभी डाटा जो है क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये अब हमारा बना है फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कमी रह गई है कि हम सेव का बटन अभी हमने बनाना है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका हम बैकअप कैसे लेंगे। ठीक है, यहाँ पर न्यू इनवॉइस बन चुका है, लेकिन सेव कैसे हो, ये पूरा का पूरा जो डाटा है हमारा, अगर मुझे इसकी कल को नीड हो, साथ के साथ मुझे इसका बैकअप मिलता रहे, साथ के साथ इसका एक डाटा बेस बन जाए, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप एक इनवॉइस को फुली ऑटोमेटिक कैसे बना सकते हो। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी हो। आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।